हाय, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आप लोगों की तरफ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। तो उसी को देखते हुए आज हम इस वीडियो में आपको गैप अप और गैप डाउन मार्केट के लिए एक स्पेशल सा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी लेके आए हैं। और ये जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, इसके बेसिस पे मैं खुद भी ट्रेडिंग करता हूँ। तो ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी काफ़ी एक्यूरेट है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए, गैप अप और गैप डाउन मार्केट के लिए क्या स्पेशल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, उसको सीखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे हम चार्ट पे आ गए हैं और देखिए, मार्केट आपका यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है और पहला तीन कैंडल फॉर्म होने के बाद ही मुझे पता चल गया था कि मार्केट गैप अप जरूर ओपन हुआ है, लेकिन यहाँ से प्राइस आपका नीचे की तरफ जाएगा और नीचे की तरफ गया भी है। तो इसका आइडिया मुझे कैसे लगा, इसके लिए हमें गैप अप और गैप डाउन मार्केट के स्ट्रैटजी को समझना पड़ेगा। तो चलिए, पहले हम स्ट्रैटजी को समझते हैं, फिर हम यहाँ पर आएंगे, फिर आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो गैप अप और गैप डाउन मार्केट के स्ट्रैटेजी को समझने के लिए हमें इन सारे पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये सारा पॉइंट हमें क्या कह रहा है, चलिए इसको समझते हैं, फिर आपको और आसानी से चार्ट पे आएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको फाइंड करना, क्या फाइंड करना, कि मार्केट गैप अप हो रहा है या गैप डाउन हो रहा है, वो आपको फाइंड करना। और यहाँ पर टाइम फ्रेम क्या लेना, यहाँ पर आपका टाइम फ्रेम लेना 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेना। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हमें टाइम फ्रेम क्या यूज़ करना, तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना, 5 मिनट छोड़ के ना ही इससे नीचे ना ही इससे ऊपर जाना, ना ही 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, ना ही इससे नीचे 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, बस 5 मिनट का टाइम फ्रेम देना है। और यही टाइम फ्रेम के साथ आप इस स्ट्रैटजी में जा सकते हैं। और एक और चीज़ ध्यान देना, जो भी स्ट्रैटजी मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो पीछे बताया हूँ या फिर आगे बताऊँगा, उन सबको आपको पहले प्रैक्टिस करना, लाइव मार्केट में एक्सपीरियंस लेना, उसके बाद ट्रेडिंग स्टार्ट करना। ये स्ट्रैटेजी देखते हुए कल से आपको ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं कर देना, कल से ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे लॉस में रहोगे। सबसे पहले आपको अपना एक्सपीरियंस गेन करना, देखना है किसके मेरिट डिमेरिट्स क्या है, उसके बाद आपके लिए सूटेबल लगता है तो फिर आप ट्रेड ले सकते हो। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आपको देखना है कि अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है तो क्या गैप अप ये रेजिस्टेंस लेवल के पास ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है मार्केट, तो ये जो गैप डाउन ओपन हो रहा है, क्या ये सपोर्ट लेवल के पास हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर गैप अप रेजिस्टेंस लेवल के पास हो रहा और गैप डाउन सपोर्ट लेवल के पास हो रहा, तभी हम इस स्ट्रैटेजी में आगे बढ़ेंगे। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इस स्ट्रैटेजी को हम यहीं पर ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। अगर दूसरा पॉइंट फुलफिल कर रहा है तो तीसरे पॉइंट पे आएंगे, उसके बाद देखेंगे जो अगर ये सपोर्ट लेवल के पास प्राइस आ रहा है गैप डाउन होके, तो क्या वहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, या फिर गैप अप होके रेजिस्टेंस लेवल के पास जा रहा तो वहाँ से हमें क्या रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये भी होना चाहिए कि अगर वो सपोर्ट लेवल के पास जा रहा है गैप अप या गैप डाउन लेके, या फिर रेजिस्टेंस लेवल के पास जा रहा तो वहाँ से प्राइस का रिजेक्शन भी होना चाहिए। अगर ये तीसरा पॉइंट सेटिस्फाई करता है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम वहीं पर स्ट्रैटेजी को ड्रॉप कर देंगे, ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट सेटिस्फाई करता है तो चौथे पॉइंट पे आएंगे। चौथा पॉइंट क्या बता रहा, कि पहला 2 से 3 कैंडल जो फर्स्ट कैंडल है उसके हाई और लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए। हाई इन केस ऑफ गैप अप, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो पहला कैंडल को छोड़ के उसके बाद जो 2 कैंडल फॉर्म होता है वो पहले कैंडल के हाई को नहीं ब्रेक करना चाहिए। अगर मार्केट आपका गैप डाउन ओपन हो रहा तो पहला कैंडल जो भी आपका लो बनाता है उसके बाद जो 2 और 3 कैंडल फॉर्म होता है उसके लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए। यानी जो फर्स्ट कैंडल सपोज दैट ये बन गया, उसके बाद अगला 2-3 कैंडल बन रहा गैप अप में, उसके हाई को नहीं ब्रेक करना चाहिए और गैप डाउन उसके लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए। हो सकता है ये सारा पॉइंट अभी आपको समझ में नहीं आ रहा हो, बहुत कन्फ्यूजन लग रहा हो, लगेगा भी, लेकिन हम जब चार्ट पे आएंगे तो और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। बस आपको यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखना, पॉइंट समझ में आ जाएगा, फिर हम चार्ट पे आएंगे तो सारा कुछ एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगा। इसलिए आपको ज़्यादा घबराना नहीं है अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा, तो बस आपको थोड़ा सा 1 मिनट का और टाइम देना। उसके बाद अगर ये सारा स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है तो हमें 5वें पॉइंट पे आना और देखना है कि प्राइस का मूवमेंट गैप अप में डाउन ट्रेंड में हो रहा है कि नहीं हो रहा, और गैप डाउन मार्केट में अप ट्रेंड में हो रहा है नहीं हो रहा। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है उसके बाद प्राइस का जो डायरेक्शन है वो डाउन ट्रेंड होना चाहिए, और गैप डाउन हो रहा तो अप ट्रेंड होना चाहिए। तो ये भी अगर हो रहा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गैप अप और गैप डाउन इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के लिए जाएंगे।
अगर ऐसा नहीं हो रहा तो हम स्ट्रैटेजी यहीं पर ड्रॉप करेंगे, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो ये हमारा गैप अप और गैप डाउन इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है। और एक और चीज़ ध्यान देना, ये जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए है, और इसके बेसिस पे जो मैं भी ट्रेड लेता हूँ सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए ट्रेड लेता हूँ, अदरवाइज ना ही बीटीएसटी, ना ही स्विंग ट्रेडिंग, ना ही डिलीवरी के लिए ये चीज़ को अप्लाई करना, इसको सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद ये मेरा स्ट्रैटेजी तैयार हो गया, अब मुझे क्या चाहिए, एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, स्टॉप लॉस, ये तीन चीज़ चाहिए मुझे। ये तीन चीज़ मुझे कैसे मिलेगा, सबसे पहले हम एंट्री पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं। हम चार्ट पे आएंगे तो वहाँ पे भी आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे हम समझ लेते हैं एंट्री पॉइंट क्या होता है। अगर कैंडल के हाई और लो को ब्रेक करके ऊपर निकला तो वो हमारा एंट्री पॉइंट होगा, हाई इन केस ऑफ गैप डाउन। अगर गैप डाउन होता है और पहला कैंडल का हाई ब्रेक करके ऊपर निकला है मार्केट, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, एंट्री पॉइंट बन जाएगा, तो हम बाई करेंगे। दूसरा, अगर मार्केट आपका गैप अप ओपन होता है, उसके बाद जो पहला कैंडल का लोएस्ट पॉइंट बनता है, जैसे ही वो ब्रेक करेगा तो हमारा एंट्री पॉइंट बन जाएगा, वहाँ पे हम एंट्री करेंगे। दैट मीन्स टू, इफ कैंडल ब्रेक द हाई एंड लो ऑफ द फर्स्ट कैंडल, दैट विल बी योर एंट्री पॉइंट। उसके बाद टारगेट प्राइस क्या होगा, टारगेट प्राइस आपका अगला सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होगा, आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल चाहे कैंडल के बेसिस पे हो, चार्ट के बेसिस पे हो, या फिर कोई भी बेसिस पे हो, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हमारा टारगेट प्राइस बन जाएगा। उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, फर्स्ट कैंडल का हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, यानी गैप अप में पहला कैंडल का जो हाई होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस, और गैप डाउन में पहला कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमने अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को इस पांच पॉइंट से वेरीफाई करेंगे, पांच पॉइंट वेरीफाई करेगा तो हम इन तीन पॉइंट के जरिए अपना एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद हम ट्रेड के लिए जाएंगे। और यहाँ पे आपको देखना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, अगर ये आपके फेवर में जाता है तभी आप ट्रेड लीजिए, अदरवाइज सारा कुछ सेटिस्फाई होने के बावजूद भी आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम चार्ट पे चलते हैं, उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, क्योंकि चार्ट पे जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो आपको देखना इन पांचों पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा, उसके बाद एंट्री और एग्जिट पॉइंट और टारगेट प्राइस जो भी हमने डिसाइड किया था उसके लेवल पे हो रहा है नहीं हो रहा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, फिर स्क्रीनशॉट ओपन करके आगे चार्ट पे चलोगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे अब हम चार्ट पे आते हैं और देख सकते हैं हमने निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट को लिया है, क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ही अप्लाई होता है। पहला मार्केट गैप अप ओपन हुआ, डेट देख लीजिए 23 मार्च 2022 को, तो गैप अप ओपन हुआ मार्केट, यानी पहला पॉइंट को इसने सेटिस्फाई कर दिया, गैप अप को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरा, ये जो गैप अप ओपन हुआ क्या रेजिस्टेंस लेवल के पास हुआ, तो यहाँ पे अगर आपको याद हो तो निफ्टी में 17400 और 17500 ये दो हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हुआ करता था। तो अगर आप पहला कैंडल को देखो ये कहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ पे आप ओपनिंग पॉइंट देख सकते हो 17405 पे ओपन हुआ, यानी आपका रेजिस्टेंस लेवल के पास ओपन हुआ, यानी इसने दूसरे पॉइंट को भी सेटिस्फाई कर दिया। तीसरा पॉइंट, क्या इसका रिजेक्शन फ्रॉम द टॉप रेजिस्टेंस लेवल के पास इसका रिजेक्शन है या नहीं है। अगर आप पहला दोनों कैंडल उठा के देख लो, ऊपर में आपको अच्छा खासा टेल देखने को मिलेगा। ऊपर में टेल का क्या मतलब है कि रिजेक्शन फ्रॉम द टॉप, यानी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जाते ही, रेजिस्टेंस लेवल के पास आते ही हमें जबरदस्त रिजेक्शन देखने को मिला है, मतलब रिजेक्शन प्राइस में देखने को मिला, तीसरा पॉइंट भी सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है कि उसके बाद अगला दो कैंडल इसके हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए, गैप अप ओपन हुआ है इस कंडीशन में इसके हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए। देखिए पहला दो कैंडल इसके हाई को ब्रेक नहीं किया है, और ये जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो हमारा एसएल बन जाएगा, आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चौथा पॉइंट भी यहाँ पे है मेरा सेटिस्फाई हो गया। पांचवा पॉइंट क्या था कि मार्केट का जो ट्रेजेक्ट्री है, जो डायरेक्शन है, वो गैप अप में नीचे की तरफ होना चाहिए। तो मार्केट का ट्रेजेक्ट्री पहला दो कैंडल दिखा दिया कि नीचे की तरफ ही है, यानी पांचवा पॉइंट भी सेटिस्फाई कर गया, यानी यहाँ पे हमारा जो गैप अप और गैप डाउन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बन के तैयार है। तो यहाँ पे अब हमें क्या फाइंड करना है, टारगेट, स्टॉप लॉस, एंट्री पॉइंट। तो एंट्री पॉइंट, टारगेट, स्टॉप लॉस क्या होगा, चलिए वो समझते हैं। सबसे पहले जो कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट है गैप अप में, पहला कैंडल का, वो हमारा क्या बन जाता है, एसएल बन जाता है, यानी यहाँ पे मेरा 17460 हमारा क्या होगा, एसएल होगा। एंट्री पॉइंट क्या होगा, गैप अप में कैंडल का लोएस्ट पॉइंट जैसे ही ब्रेक होगा वो हमारा एंट्री पॉइंट होगा, और ये कैंडल ऑलरेडी ब्रेक कर दिया दो कैंडल, और दो कैंडल तो हमने वेरीफाई करने में ही ले लिया, तो हमारा एंट्री पॉइंट यहाँ पे बनेगा इस लेवल के आसपास, यानी एंट्री पॉइंट जो बनेगा मेरा 17380 के करीब मेरा एंट्री पॉइंट बनेगा। तो मुझे एंट्री और स्टॉप लॉस मिल गया।
अब हमारा टारगेट प्राइस क्या होगा, गैप अप ओपन हुआ, अगला सपोर्ट लेवल। अगला सपोर्ट लेवल कहाँ पे बन रहा है, 17300 लेवल के पास अगला सपोर्ट लेवल बन रहा है, क्योंकि 17400 के पहले जो सपोर्ट लेवल हुआ करता था 17300 था, यानी यहाँ पे ये आपका रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था। मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो ये आपका रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल बन गया, तो 17300 है, यानी यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस का पॉइंट है वो 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और टारगेट प्राइस भी यहाँ पे हमारा 80 का है, यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 है, बराबर है, जितना स्टॉप लॉस है उतना टारगेट प्राइस भी है। तो अगर आपको यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का सूटेबल लग रहा है तो आप ट्रेड के लिए जा सकते हो, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हो। लेकिन यहाँ पे बेनिफिट क्या है, टारगेट के बाद भी हमें और भी ज़्यादा पॉइंट का बेनिफिट मिलता हुआ देख सकता है, इसलिए यहाँ पे हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाला कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करेंगे। उसके बाद देखिए आपका प्राइस नीचे की तरफ गिरा, थोड़ा सा ऊपर गया लेकिन स्टॉप लॉस बहुत नीचे था, और उसके बाद इसने आसानी से 17300 के लेवल को हिट कर दिया। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर एक 50 पॉइंट के मूव पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके और नीचे की तरफ लाएंगे, यानी हमने यहाँ पे 17380 पे बाई किया था, प्राइस 17330 पे आते ही क्या करेंगे, बाइंग प्राइस के करीब अपना स्टॉप लॉस ले आएंगे, यानी 50 पॉइंट का मूव मेरे फेवर में हो गया, उसके बाद हमें नुकसान नहीं होना चाहिए अगर मार्केट रिवर्स करता है तो। उसके बाद मार्केट 17300 पे आया तो स्टॉप लॉस को और ट्रेल करके 17350 पे ले आएंगे, इसी तरीके से हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलेंगे, और इस तरीके से आप देख सकते हैं प्राइस आपका 17250 तक भी आया था, तो इस तरीके से आपको अच्छा खासा पॉइंट मिल गया। तो आपने देखा कि इस स्ट्रेटजी के बेसिस पे हमें अच्छा खासा पॉइंट मिला, यानी एटलीस्ट 80 से 100 पॉइंट ईजिली मिल गया, वो भी इंट्राडे में, सेम डे, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा होता क्यों है, चल इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए उससे पहले दिन मार्केट आपका 17300 के करीब जा रहा था लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था। अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन मार्केट आपका डायरेक्ट 17400 के लेवल पे ओपन हुआ। अब जो भी लोग 17300 के आसपास या फिर इससे नीचे बाई किए होंगे वो क्या करेंगे, इंतजार करेंगे कि मार्केट नीचे आएगा, लॉस होगा तब लॉस बुक करेंगे या फिर यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे। आप क्या करते हैं, ऑब्वियसली बात है सारे लोगों का आंसर होता है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं। और अगर आप प्रॉफिट बुक करते हो मार्केट पे क्या जनरेट करता, मार्केट पे ये भी आपका प्रेशर जनरेट करता है, यानी एक प्रेशर यहाँ पे जनरेट हो रहा मार्केट पे, वो प्रॉफिट बुकिंग कारण है। दूसरा आपका ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, हर्डल है, यहाँ पे आते ही क्या होगा, प्राइस सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पे मार्केट में आपका टू टाइप ऑफ प्रेशर जनरेट हो रहा, सबसे पहला प्रॉफिट बुकिंग का और दूसरा सेलिंग प्रेशर आ रहा है। इसके बाद मार्केट आपका नीचे की तरफ गिरता और जैसे एक ट्रेंड पकड़ता फिर आपका नीचे ही गिरता हुआ चला जाता, सपोर्ट लेवल तक ये गिरता ही चला जाता है, इसलिए इस तरह के मार्केट कंडीशन में ऐसा काम होता है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना, अगर मार्केट एक्सट्रीमली किसी ट्रेंड में चल रहा है, जैसे आपका कोरोना के बाद लास्ट एक साल मार्केट का बोल सकते हैं कि हनीमून पीरियड था, यानी वैसा रन बहुत कम देखने को मिलता है, और उस टाइम पे मार्केट में बहुत सारे लोग एंट्री भी किए थे और उसमें से लगभग 20 से 25% लोग ऑलरेडी बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि मार्केट ने अपना रियल फेस दिखाया और यही मार्केट का रियल फेस है जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता है, लेकिन मार्केट का यही रियल फेस है। और मार्केट आपका लगभग 60% टाइम एक रेंज के बीच में ट्रेड करता है, और अब मार्केट का हनीमून पीरियड खत्म हो गया, यानी अब आपका इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट हाइक होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद जो मार्केट में ईजी मनी आता था वो ईजी मनी आना बंद हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही प्राइस आपका थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा तो उसके बाद हमें वहाँ पे डंपिंग देखने को मिलेगा, फिर प्राइस आपका वहाँ से नीचे की तरफ आता हुआ देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। तो अब आपका प्राइस एक रेंज में या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ट्रेड करेगा, जो पहले आप बुल रन देखते थे वो बुल रन अब यहाँ पे एटलीस्ट 2022 में तो देखने को नहीं ही मिलने जा रहा है। मार्केट मोस्टली आपका ऐसा ही ट्रेड करता है, तो अगर आपको यहाँ पे मार्केट में सस्टेन करना, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में और भी लोग मार्केट से बाहर निकलेंगे, क्योंकि मार्केट का जो ये चेहरा है और भी बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आने वाला, तो लास्ट एक दो साल में जो भी न्यू ट्रेडर्स मार्केट में एंट्री किए हैं वो यहाँ पे और भी निकलेंगे टाइम के साथ। तो अगर आपको मार्केट में सस्टेन करना है तो मार्केट के साइकोलॉजी को और मार्केट के रियल बिहेवियर को सीखना पड़ेगा। और एक और चीज़ ध्यान देना, अगर मार्केट किसी न्यूज़ में हो, चाहे वो पॉजिटिव और निगेटिव, उसके कारण से अपसाइड मूव दिखा रहा है, तो उस टाइम पर अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है उस टाइम पर ये स्ट्रेटजी अप्लाई नहीं करना। ये स्ट्रेटजी आपका नॉर्मल कंडीशन में, जैसे अभी मार्केट है उस कंडीशन में ही अप्लाई करना, और आपका 60% टाइम मार्केट नॉर्मल कंडीशन में ही बिहेव करता है।
और अगर ट्रेंडिंग मार्केट आता है तो उसके लिए मैंने अलग से बहुत सारे स्ट्रेटजी तैयार किए, उस टाइम पे आप वो स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हो। सारे मार्केट में एक टाइप ऑफ स्ट्रेटजी काम नहीं करता और ये चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। तो यही कारण है कि मार्केट आपका नीचे गिरता हुआ जाता है और इसलिए मोस्ट ऑफ टाइम जो गैप अप गैप डाउन मार्केट होगा नॉर्मल कंडीशन में। यहाँ पे एक और एग्जांपल ले सकते हैं, रशिया यूक्रेन के बीच में जो वॉर हुआ था उसके कारण से मार्केट 15 से 20 दिन उसी के कारण रिएक्ट किया था और गैप डाउन ओपन हुआ था, उसके बाद कंटिन्यू नीचे की तरफ ही गया था। तो इसलिए जब वैसा ट्रेंड वाला मार्केट हो, चाहे न्यूज़ के कारण हो या फिर किसी भी कारण हो, तो हमें ये स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करना। ये स्ट्रेटजी नॉर्मल मार्केट में जब कोई न्यूज़ ना हो, जैसा अभी वाला सिचुएशन है, वैसा मार्केट में आप इस स्ट्रेटजी के बेसिस पे ट्रेड ले सकते हो। तो यहाँ पे अब हम कुछ और एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है और अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट डे देखिए 24 मार्च को आपका क्या हुआ, मार्केट आपका गैप डाउन ओपन हुआ है। और उसके बाद गैप डाउन मार्केट में क्या हुआ, हमने सबसे पहला पॉइंट गैप डाउन मार्केट को आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि क्या यहाँ पे सपोर्ट लेवल के पास ही आया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 17100 और 17000 ये दो सपोर्ट लेवल था, और ये जो ओपन हुआ है आप देख सकते हो ये आपका ओपन हुआ है 17094 पे, यानी आपका सपोर्ट लेवल के पास ओपन हुआ, यानी दूसरा पॉइंट भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या था, रिजेक्शन फ्रॉम द बॉटम इन केस गैप डाउन। तो यहाँ पे रिजेक्शन फ्रॉम द बॉटम हुआ है, पहला दो तीन कैंडल ही क्लियर हमें दिखा रहा है कि बॉटम से रिजेक्शन हुआ है, और ये आपका ओपन इक्वल टू लो भी बना है, ये भी हमें रिजेक्शन बता रहा है कि चिक चिक कर रिजेक्शन हुआ है। तो तीसरा पॉइंट भी यहाँ पे सेटिस्फाई हुआ। चौथा पॉइंट क्या है कि अगला दो कैंडल इसके लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए इन केस ऑफ गैप डाउन, तो लो को ब्रेक नहीं किया, क्लियर कट है, लो बहुत नीचे आ गया। तो तीसरा पॉइंट सेटिस्फाई होने के बाद चौथा पॉइंट भी सेटिस्फाई हो गया, और पांचवा पॉइंट क्या है, ट्रेजेक्ट्री गैप डाउन में ऊपर की तरफ होना चाहिए, क्लियर ऊपर की तरफ ट्रेजेक्ट्री है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमारा एंट्री लेने का टाइम आ गया। अब यहाँ पे हम एंट्री कहाँ पे लेंगे, एंट्री लेने के लिए देखिए तो यहाँ पे अब हमें एंट्री पॉइंट स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस डिफाइन करना है। तो दो तीन के अंदर हमने वेरिफिकेशन निकाल दिया, तो हमें एंट्री पॉइंट मिलेगा कहाँ पे, यहाँ पे मिलेगा एंट्री पॉइंट, यानी 17180 करीब एंट्री पॉइंट मिलेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा सपोर्ट लेवल के पास 17100, यानी यहाँ पे भी हमारा जो SL है वो 80 पॉइंट का SL है। टारगेट प्राइस की बात कर ले तो देख सकते हैं ये जो लाइन है ये हमारा हर्ड लाइन बना, और यही हमारा क्या होगा, टारगेट प्राइस हो जाएगा। तो टारगेट प्राइस हम कैंडलस्टिक के बेसिस पे भी डिसाइड कर सकते हैं, ऑप्शन चेन के बेसिस पे भी डिसाइड कर सकते हैं। ऑप्शन चेन के बेसिस पे लोगे तो आपका 17300 बनेगा, लेकिन उससे पहले हमारा इस लेवल पे भी देख सकते हैं, एक दिन पहले यहाँ पे बहुत बार अटेम्प्ट लिया है फर्स्ट हाफ के बाद ब्रेक करने का, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। तो ये हर्डल मेरा पहला होगा, और यहाँ पे आते हैं अपना स्टॉप लॉस को 12 करके ऊपर की तरफ ले आएंगे। उसके बाद जो टारगेट प्राइस यहाँ पे हमने डिसाइड किया 17280 इसके लेवल के बेसिस पे हम डिसाइड किया, या फिर 285 होता तो टारगेट प्राइस मेरा लगभग 80 से 100 पॉइंट का होता। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 है। उसके बाद हमने एंट्री ले लिया, स्टॉप लॉस टारगेट सारा कुछ डिसाइड हो गया। उसके बाद देखिए प्राइस जैसे ही 50 पॉइंट मेरे बाइंग लेवल से ऊपर की तरफ आया, यानी आपका 17220 के करीब आया, तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस क्या कर देंगे, अपना बाइंग लेवल से ऊपर ले आएंगे। बाइंग लेवल क्या था, 17180 था, तो उसके करीब अपना स्टॉप लॉस ले आएंगे, यानी अब मुझे यहाँ पे नुकसान नहीं होगा। और जैसे ही प्राइस आपका 17280 के करीब गया था, अपना स्टॉप लॉस 17250 पे ले आएंगे, यानी एटलीस्ट मुझे यहाँ पे, और उसके बाद अगर 17250 पे हिट भी हो जाता है तो यहाँ पे मुझे कितना मिला, एटलीस्ट मुझे 70 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे भी मिला। तो इस तरीके से आप इस स्ट्रेटजी के बेसिस पे ट्रेड सेटअप तैयार कर सकते हो, और काफ़ी आसानी से ट्रेड सेटअप तैयार कर सकते हो, वो भी इंट्राडे में। आपको देख सकते हो 12 बजे करीब यहाँ पे आपको प्रॉफिट दे दिया, या फिर उसके बाद अगर यहाँ से नीचे भी आया आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसके पास भी हिट गया, फिर भी आपको ईजिली 70 पॉइंट का प्रॉफिट मिल गया। वहीं अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं बैंक निफ्टी का। यहाँ पे भी देख सकते हैं बैंक निफ्टी का हम 5 मिनट के चार्ट में आए, और यहाँ पे आज यानी 13 अप्रैल को ही देख सकते हैं ये स्ट्रेटजी यहाँ पे फॉर्म हुआ था, मार्केट आपका गैप अप ओपन हुआ था। उसके बाद क्या रेजिस्टेंस लेवल के पास ओपन हुआ था, जी हाँ, यहाँ पे 38000 मेजर हर्डल है अभी बैंक निफ्टी के लिए, आपको आइडिया भी होगा। तो इसके पास ओपन हुआ था, और इसका आप ओपनिंग पॉइंट देख सकते हो, ओपन हुआ है आपका 37887, उसके बाद आपका सेम कैंडल हाई टच किया 37980 का, यानी आपका और ऊपर की तरफ गया, रेजिस्टेंस लेवल के पास आया, यानी इसने पहला और दूसरा पॉइंट को सेटिस्फाई कर दिया। तीसरा पॉइंट क्या है कि वहाँ से रिजेक्शन होना चाहिए, वहाँ से देखिए अगला दो तीन कैंडल हमें रिजेक्शन की तरफ हिंट दे रहा। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या होना चाहिए कि पहला दो कैंडल उसके हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए, जो कि ब्रेक नहीं हुआ है। पाँचवा पॉइंट
डायरेक्शन नीचे की तरफ होना चाहिए, डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो इस पांचों पॉइंट को सेटिस्फाई किया तो यहाँ पे मेरा जो गैप अप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यहाँ पे अप्लाई होगा। अब यहाँ पे हमें एंट्री पॉइंट, टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस सारा कुछ डिफाइन करना था। स्टॉप लॉस की बात करें, हाईएस्ट पॉइंट यानी रेजिस्टेंस लेवल के पास 38,000 हमारा स्टॉप लॉस हो जाता। एंट्री पॉइंट देखिए, पहला दो तीन कैंडल इसके लो को ब्रेक नहीं किया, जैसे ही इसके लो को ब्रेक करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट देख लीजिए, कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया तो वो मेरा एंट्री पॉइंट बन जाएगा। अगर पहला दो कैंडल ही ब्रेक करके नीचे आ गया तो पहला दो कैंडल के बाद जहाँ पे भी मुझे एंट्री मिलेगा ले लेंगे, नहीं तो हम इंतज़ार करेंगे पहले कैंडल के लो का ब्रेक होने का। और यहाँ पे देखिए पहला कैंडल का लो ब्रेक हुआ तो यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, यानी लगभग आपका एंट्री लेवल बनेगा 37,900 मेरा एंट्री लेवल बन जाएगा। टारगेट प्राइस क्या होगा, टारगेट प्राइस जो हमारा हुआ करता था वो 37,700 था और 37,500 था, जो कि ये दोनों आज के डेट में सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिखा था। अगर मार्केट कैप अप ओपन हुआ है तो पहला टारगेट 37,700, दूसरा 37,500, ये दोनों लेवल के लिए यहाँ पे हम जाएंगे और स्टॉप लॉस को भी हम ट्रेल करते चलेंगे, जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल बताया था। यहाँ पे हर एक 100 पॉइंट के मूव के बाद हम अपना स्टॉप लॉस 50 से 30 पॉइंट नीचे ट्रेल करते चलेंगे। उसके बाद देखिए प्राइस आपका नीचे की तरफ गिरा है और पहला टारगेट प्राइस और इवन दूसरा टारगेट प्राइस को भी इसने ऑलमोस्ट हिट कर दिया, लो आपका 37,500 करीब बनाया। तो इस तरीके से आप गैप अप और गैप डाउन मार्केट में आसानी से ट्रेड सेटअप तैयार कर सकते हो। और ये चीज़ मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, लास्ट दो तीन साल का ऑब्जर्वेशन है, और ये आपका इस तरह के रेंज बाउंड मार्केट में ही काम करता है। जब मार्केट आपका स्पेशल ट्रेंडी मार्केट हो, किसी पर्टिकुलर न्यूज़ को लेके या फिर किसी भी चीज़ को लेके एक ट्रेंड में हो, चाहे वो अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में, उस टाइम पे काम नहीं करता, उस टाइम पे दूसरा स्ट्रेटजी है। बाकी मार्केट का जो नॉर्मल बिहेवियर होता है, जो आपका 60% नॉर्मल बिहेवियर की तरह ट्रीट करता है, उस कंडीशन में ये सेटिस्फाई होगा। और उस कंडीशन मार्केट अगर आपका गैप अप गैप डाउन होता है तो इसके बेसिस पे आप ट्रेड सेटअप तैयार कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो हम और भी रेगुलर बेसिस पे आपके लिए लाते रहें, जिससे आपको रियल टर्म्स में फ़ायदा हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को लेके। जय हिंद।